हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। बात करेंगे आज कलर चिप्स मीडिया शेयर की, क्योंकि इसके अंदर भी जो है गिरावट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे दोनों एप्लीकेशन पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो कलर चिप्स न्यू मीडिया की बात करूं तो 106.35 रुपए पे स्टॉक आज आ चुका है। 5.55 रुपए की गिरावट है 4.96% के साथ में। लास्ट क्लोजिंग 111.90 रुपए पे थी। 5 दिन के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 18.5% तक करेक्ट हुआ है। 24 रुपए की गिरावट है, क्योंकि आज से 5 दिन पहले जो स्टॉक का प्राइस था वो 130 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा था, और आज स्टॉक 5 दिन की लगातार लोअर सर्किट की गिरावट की वजह से 106.35 रुपए पे आ चुका है। अगर आप इसका एक महीने का चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स अभी भी कलर चिप्स न्यू मीडिया में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि 150 रुपये 157 रुपये के आसपास से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, और जब ये स्टॉक 140-130 रुपये के आसपास था तो मैंने बताया भी था कि स्टॉक जो है वो ओवरबोट कंडीशन में है, तो कभी भी गिरावट हो सकती है, और जब गिरावट होगी तो आप लोगों को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देगी। और वही चीज़ इस टाइम जो है कलर चिप्स न्यू मीडिया शेयर के अंदर आप लोगों को कंटिन्यूसली लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट ही देखने को मिल रहे हैं, और स्टॉक 155 रुपये से गिर के ऑलमोस्ट 106 रुपए पे आ चुका है एक महीने के अंदर ही, जिसमें से अभी भी 25% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स बचे हुए हैं। अगर 6 महीने के रिटर्न्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 250% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 40 रुपए के आसपास से भागना स्टार्ट किया था और सीधा 150-155 तक की रेंज में गया, और उसके बाद जब अब लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो चुके हैं, और सपोर्ट लेवल कहां पे देखने को मिल रहे हैं, वहीं आपको सपोर्ट लेवल जो है वो 70-80 रुपीज के आसपास जो है पहला सपोर्ट लेवल देखने को मिला। तो एक अच्छी खासी करेक्शन जो है इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर 76 रुपीज तक का जंप के साथ 106.35 रुपए पर स्टॉक अभी है, जिसमें से ऑलरेडी अच्छी खासी करेक्शन हो भी चुकी है। अगर आप इसका आज का वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही कम है, सिर्फ 314 शेयर्स का ही कुछ आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स थे, वो थोड़े बहुत एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और अगर मैं जो सेलिंग प्रेशर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख शेयर्स जो है हमें सेलिंग क्वांटिटी में इस टाइम कलर चिप्स न्यू मीडिया शेयर के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप इस कंपनी का 180 करोड़ का, फेस वैल्यू स्टॉक की 10 है, पी जो है वो ऑलमोस्ट 295.42 है। और यही चीज पैनी शेयर्स के अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, कि जब स्टॉक का पी रेशियो है वो बढ़ जाता है ना, तो स्टॉक ओवरबोट कंडीशन में रह जाता है। लोअर सर्किट के लगते हैं तो स्टॉक का जो RSI लेवल है, RVI लेवल है, वो भले ही नीचे आ जाते हैं, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो ओवरबोट ही रहता है, क्योंकि उसको नीचे आने में टाइम लगता है। और जो भी कंपनीज हाई पी रेशियो के साथ ट्रेंड करती हैं, ट्रेड करती हैं, वो हमेशा रिस्की ही मानी जाती हैं। बुक वैल्यू पर शेयर 17.82 रुपए, सेक्टर पी की बात करूँ तो 22.20, और EPS जो है 0.36 का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख शेयर्स का वॉल्यूम 20 दिन के अंदर हमें कलर चिप्स न्यू मीडिया शेयर के अंदर आते हुए देखने को मिल चुका है। अगर आप इसकी प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक वीक की अब नेगेटिव देखने को मिल रही है, वहीं 1 जनवरी से लेकर अभी तक की 21 सितंबर तक की गिरावट के बाद भी अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 380% तक के रिटर्न्स दिए हैं। एक मंथ के अंदर 31%, 3 महीने के अंदर 149% तक के रिटर्न्स दिए, वहीं 3 साल के अंदर 325% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स कलर चिप्स न्यू मीडिया शेयर ने अभी तक इन्वेस्टर्स को बना के भी दिए हैं। अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही कम वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि एक वीक का एवरेज ऑलमोस्ट 7,000 का है, और लास्ट क्लोजिंग डे का वॉल्यूम कल का ऑलमोस्ट 8,000 का है। तो बहुत ही कम वॉल्यूम जो है हमें इस स्टॉक के अंदर आते हुए देखने को मिल रहा, और जब भी किसी लोअर सर्किट स्टॉक के अंदर अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तब तक वो स्टॉक आप लोगों को बढ़ते हुए ऊपर सर्किट खुलते हुए नजर नहीं आ सकता है। एक मंथ का एवरेज जो है स्टॉक का ऑलमोस्ट जो है 3 लाख शेयर्स का रहा, जिसमें से 100% डिलीवरी हमें देखने को मिली है। और रेवेन्यू देखिए, जहां 2019 में 4 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिला था, वही रेवेन्यू जो है लगातार धीरे धीरे कम होकर 1 करोड़ के आसपास Q1 के अंदर हमें देखने को मिला था। तो यहां पे एक चीज आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए थी कि यहां पे स्टॉक को जो है ऑपरेटर्स के द्वारा जो है पंप किया जा रहा है, और उसके बाद से जो है स्टॉक में हमें करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिल रही है लगातार। तो यहां पे ज्यादा तो नहीं, लेकिन हां करेक्शन अच्छी खासी जरूर हो सकती है इस टाइम। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जहां 2021 में 3 करोड़ के नेगेटिव रिटर्न्स थे, यानी कि लॉस देखने को मिल रहा था, वहीं पे अब जो है हमें स्टॉक के अंदर गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन हां इसके अंदर प्रमोटर्स की स्टेक देखेंगे तो 74.88% तक के जो है प्रमोटर्स की स्टेक देखने को मिल रही है, और 25% जो है हमें इसमें पब्लिक का स्टेक देखने को मिल रहा। तो ज्यादा गिरावट नहीं, लेकिन हां अच्छी खासी गिरावट जरूर हो सकती है अभी भी कलर चिप्स न्यू मीडिया शेयर के अंदर।
आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।